Everyone, good morning. Most welcome in Avinash tutorial. आज की क्लासेस हमारी ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस एंड आर्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग स्लाइड्स एंड पॉलिटेक्निक. और जो हमने प्रीवियस वीडियोस डाल रखे हैं वो क्लास 9, 10th के, तो कुछ हिंदी में डाल रखे हैं और कुछ CBSE पैटर्न पर डाल रखे हैं. वो सब सारे जो ऑप्शन है टोटल आपके पॉलिटेक्निक और स्लाइड से रिलेटेड है एंड 9th 10th की वो एकेडमिक है. और हमने कोशिश किया है कि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं साइंस के और मैथ्स के वो चीज़ें आप गेन करें, क्योंकि जब मैं इस तरह का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपसे कराऊं तो आपको ये चीज़ समझ में आए और कैलकुलेशन कैसे हो रहा है ये चीज़ आप जान पाए. फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स को डालिए. आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस. जिस टाइप के क्वेश्चन मैं करता हूँ उसी टाइप के क्वेश्चन आप 10-12 अपने आप से सेल्फ ढूंढिए, उन चीज़ों को निकालिए. अदरवाइज मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कॉमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगा, उसको ट्राई कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. जैसे एक क्वेश्चन है, sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यूज जो है वो आपको निकालनी है. चार ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उस ऑप्शन में से इसके वैल्यूज को निकालना है. और जो ऑप्शन में जो वैल्यूज है वो टोटल जो टर्म्स है वो 10 के टर्म्स में दिया हुआ है. टोटल चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन 10 के टर्म में दिए हुए हैं. जैसे 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा, 10 टू द पावर 4 थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा, लाइक दिस. इस तरह से फोर ऑप्शन है, सारे ऑप्शन 10 में. तो अगर ऐसा करना हो तो इसका मतलब डायरेक्टली आपको करना क्या है कि sec को 10 में कन्वर्ट करना है डायरेक्टली है. तो हम यहाँ क्या करें, पहले sec स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं. कॉमन ले लिया तो यहाँ मेरा रह गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है रिगार्डिंग फार्मूला कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है. तो थोड़ा सा फार्मूला पे अगर आप ध्यान दें तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है आपका sec स्क्वायर थीटा. इसका मतलब हो गया कि 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा. और इसी को अगर रिवर्स कर दें sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर थीटा. तो आप देख रहे हैं किस तरह से फॉर्मूला का यहाँ पर यूज किया गया है, इस फॉर्मूले का यहाँ पर कैसे यूज किया गया है. इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं. अब इसमें क्या करेंगे, sec स्क्वायर थीटा को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि टोटल टर्म्स हमारा 10 में चेंज होना चाहिए. और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख सकते हैं माइनस 10 स्क्वायर थीटा. अब इनसे बहुत से मल्टीप्लाई कर लें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा, और इनमें से माइनस कॉमन ले लें तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा, ये इसका ऑप्शन आ जाएगा. sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा होता है. तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा. और जब माइनस 10 स्क्वायर थीटा से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टर्म्स आपका माइनस, इस तरह से इसका आंसर आपका आ जाएगा. नेक्स्ट थोड़ा सा इसी टाइप का क्वेश्चन, अगर आपको कॉस और साइन में दिया हो तो उस टाइप के क्वेश्चन का आप कैसे करेंगे. कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 8 थीटा, साइन टू द पावर कॉस टू द पावर 4 साइन टू द पावर 4 है और दोनों पावर 4 है, तो इसकी वैल्यूज को ऑप्शन चार रहेंगे. इसकी वैल्यूज को या तो टोटल टर्म्स कॉस के टर्म में दिया रहेगा या टोटल टर्म्स साइन के टर्म में दिया रहेगा, इसका वैल्यूज आपको निकालना है. तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करें कि इनको पावर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें. यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर लें. और अब अगर अंदर x और y मान लें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है. वो प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है. तो आपका 1 इंटू, हमको टोटल रिजल्ट कॉस में चेक करना है या तो साइन में चेक करना है. तो पहले हम क्या करें, सबको कॉस में चेंज कर लें. कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. और अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये रिजल्ट आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर इसी को हम साइन में चेंज करें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी समझ रहे हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको सॉल्व हमको कैसे करना है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है साइन टू द पावर 4 माइनस कॉस टू द पावर 4, ऐसे घुमा करके भी आपको पूछ सकता है। और रिलेशन जो होगा साइन कॉस में दिया होगा तो आप क्या करें, किसी एक टर्म में चेंज कर लें। जैसे मैंने कॉस कॉस में चेंज कर लिया, अब कॉस को डायरेक्ट साइन में लिखना है तो उसे मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, केवल साइन चेंज कर लीजिए। सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए और कॉस की जगह पे साइन लिख लीजिए, आपका टर्म सेम वैल्यूज जो है वो साइन में आ जाएगी। कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, छोटे ट्रिक्स को भी सीखिए क्योंकि कंपटीशंस में टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो थोड़ा सा इस तरह के ट्रिक्स को करने से हमारा टाइम सेफ होता है और कैलकुलेशन भी हमारा फास्ट होता है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, सपोज अगर हमने क्वेश्चन ले लिया 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा और जो नेक्स्ट टर्म्स है वो है 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, और इसको सिंप्लीफाई करना है और वैल्यूज आपको 1-2 में मैग्नीट्यूड में बताना है। तो देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर हमारे पास डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं दिखता कि इनको मल्टीप्लाई करके हम इसका बीस का समथिंग कुछ कर लें। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे अच्छा ट्रिक्स यही है कि सभी को सारे टर्म्स को आप साइन कॉस में खोल दीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। सेकेंड टर्म्स में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा। और अगर सिंप्लीफाई करें इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और इस जगह आ जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब आपका एक मैग्नीट्यूड बनता हुआ दिख रहा है। अगर इसको आप एक्स मान लेते हैं और 1 को y मान लेते हैं तो ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई के टर्म में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगा लेते हैं और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर जो टर्म्स है ये आपका अगर x मान लेते हैं ये y, ये भी x और ये y, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई आ जाता है जिसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देख रहे हैं इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो हम ऊपर लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, रिजल्ट बटा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरह से रिजल्ट कैंसिल और आपका फाइनल आंसर 2 आ गया। तो आई होप सो कि आज जो मैंने 3 क्वेश्चंस किए हुए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते भी हैं, ट्राई कीजिए कि इस जो क्वेश्चन मैंने बताया इसी क्वेश्चन को 2 से 3 टाइम प्रैक्टिस कर डालिए। और इसमें हमने कुछ कुछ ट्रिक्स का डायरेक्ट अप्लाई किया हुआ है, जैसे कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लाइक दिस, जो हमने इस स्टेप में बताया था इस स्टेप में। तो इस तरह का ट्रिक्स को भी आप डायरेक्ट लर्न कर लीजिए जिससे कि कॉम्पिटिशन्स में आपके लिए प्रॉब्लम्स को करना बहुत ईजी हो जाए। थैंक यू।